आरसी पढ़ी है और फिर शर्मा साहब की जो एक किताब शर्मा कर ही नहीं पाई ना क्योंकि मैंने इलेवेंथ में मैथ लेनी थी और था इतना मैं तो डूब गई थी और मेरे पापा उठते हैं एक दिन विच वॉज वन ऑफ द रीजन दैट वी नॉट गेट वेल अलॉन्ग लाइक ये बहुत मेजर डॉक्टर बनेगी उनके अंदर का वीरू शहस्त्र बुद्धे ये देखो इमेजिन इमेजिन बिकॉज ही फेड लाइक की डॉक्टरी ज्यादा ऊंचा पेशा है उनको कभी बनना था उनका एक दबा सपना था जो पता ही नहीं था जो उन्होंने बचपन से हमें <laughs> इंकलकेट नहीं किया या तो बचपन से डालते तो मैं बायोलॉजी की तरफ देखती मेरे और बायोलॉजी का दूर दूर तक नाता नहीं है मेरी बायोलॉजी टीचर को मेरा नाम आज भी श्वेता पता है

तो Shit पर वो मैं कर ही नहीं पाई कभी मतलब तो। वो मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक जिसको मैं कहूंगी ना कि मेरा दिल जब टूटा टूटा था इतना किसी लड़के में औकात ही नहीं मेरा दिल तोड़ गया यार मुझे लाइक माय हार्ट ब्रोक एंड मैं पाप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम सर्जन बन जाओगी मैथमेटिक्स में तुम्हारा ये नहीं है

<laughs> और मेरे बाप आपके कहते हैं कि जाओ डॉक्टर बनो और ओ गॉड दो साल इससे मेरी ग्यारहवीं बारहवीं निकली है रट्टे लगाते एक भी के नाम परस परस क्या क्या समझ है फिर मैं कर नहीं गाय कभी फिर मैं एक साल कोटा गई लड़ झगड़ के कि मैंने आपकी कर का इधर हाँ आई। मैंने कहा मेरा पीएमटी निकला मैं मैथ पढ़ने जा रही हूँ हाँ। और उससे बुरा डिसीजन मैं नहीं ले सकती कि कोटा चल जाओ जीवन ऐसे जा रहा था वो एकदम ऐसे ही कुछ जाओ पहले से कुछ नहीं आता ऊपर से दस लाख बच्चों के बीच में पहुंच जाओ <laughs> जिनको कितना कुछ आता है जिनका जीवन को उनको पहले से पता होता है कि क्या करना है अगैन लूजर क्लैड तो फिर जब मैं कॉलेज आई ना मैंने तो सभी छोड़ दिया मैंने कहा भाड़ में जाए दुनिया देखी जाएगी अभी मैं मैं ब्रेक फ्री हो गई लाइक आई स्टार्टेड स्टार्टड एंजॉइंग माई लाइफ आई स्टार्टेड ड्रेसिंग अप मैंने अपने बाल सीधे कर लिए ऐसे मतलब फुल मैंने कहा मैं वही चीज़ें करूँगी जो पीछे भग रही थी या, जो हाँ, या मैं देखूंगी करके लाइक आई 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 ट्राई ट्राई एवरीथिंग एवरीथिंग व्हाट क्या ही, क्या ही बुरा हो जाएगा सही बात है नहीं बताऊंगी घर पे बैक आ गई तो गई थी और लड़ाई हुई है गंदे वाली मैंने ही करी है गुंडों से आके लड़ाई हुई मतलब बेस्ट uh, फ्रेंड्स से झगड़े हुए हैं तो oh. do, मतलब मेरा जो कॉलेज का एक कोर ग्रुप था लाइक नॉट वी डोंट तो uh, वाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा उस पे उजाला डाली है <laughs> <laughs> अच्छा मैं ये नहीं बताऊंगी क्या हुआ क्यों हुआ लाइक जो जो तुम्हारा तुम ठीक तुम है फॉर सम रीजंस वी ऑल लाइक ये कब की बात हाँ है? ये 2017 2018 2019 व्हिच इज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग पोएट्री लिखती तो मैं बचपन से थी मतलब 9th 10th क्लास से ही मैं

डिप्रेशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डब्ल्यूएचओ हर साल एक टॉपिक चुनता है अच्छा। और उस पे अवेयरनेस फैलाता है तो तब डब्ल्यूएचओ ने इतनी चीजें की थी रिगार्डिंग तो होता क्या था 2017 में हमारे कॉलेज में दो-तीन सेमिनार्स हुए तो उसमें ना वो पर्चे देते थे सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन उसमें होता था तो मेरे तो सारे टिक जाते थे तो तब मुझे मालूम पड़ा कैसे सही किया फिर <laughs> पता ही नहीं, <laughs> नहीं। <laughs> मतलब नाउ यू आर मेंटली फिट हाँ. वो एक, आ, नेवर सी, उसमें चले जाओ मुझे तो पता है दो हजार इक्कीस की बात बताती हूँ मैंने तो अच्छा नौकरी भी टफ ही होती है ना जनरली आप इंडिया के अंदर तो आप इतने कम्फर्टेबल स्पेस में होते हो अगर आप कॉलेज घर से जा रहे हो तो आपने तो आज तक कभी तिल्ला नहीं तोड़ा है सही बात है। एकदम से आपको जब काम करना पड़ता है और आपके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है वो भी टफ फेज ही होता है तो तब मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना और टफ हो जाता है मुझे बहुत सपोर्ट किया पोयट्री में नाइस। तो मेरा वहाँ से बहुत हौसला अफजाई हुई तो मैं तो तैयार थी किसी दिन नौकरी छोड़ दूंगी बस अच्छा तो बट माई डिप्रेशन वॉज Yeah. Sad, मतलब तीन चार साल एक स्टेट ऑफ माइंड में रहना और वो ऐसी होना पता चला था कि तुम में हो आ, तो मुझे समझ आया था कि अगर आपको दुख महसूस हो रहा है ना तो हुँ? आप डिप्रेस नहीं हो क्योंकि आपको भावना महसूस हो रही है हुँ? मुझे सुख और दुख दोनों महसूस होना ही बंद हो गया था लाइक आई टू हैप्पी अबाउट समथिंग

जैसे कि आई आई दैट इन माई शो एज वेल ये मेरे शो का एक हिस्सा भी है जहाँ मैं अपने डिप्रेशन के बारे में शेयर करती हूँ कि आपके पास बहुत सारे चीजें होती हैं जो आपको तोड़ रही होती हैं हम कभी उनको हील नहीं करते हैं हम ना जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम यू मुँह करके खड़े हो जाते हैं फिर हम यू मुँ करके खड़े हो जाते हैं ना फिर क्या होता है एक दिन आपको वापस आते हो आपको आप देखते हो आपने हर तरफ मुँह करके देख लिया और अब आपको डील करना पड़ेगा पर समझ नहीं आता कि कौन सा टूटा टुकड़ा पहले उठाए तो इट्स इट्स काइंड तो मैं अब घर से बाहर निकली थी क्योंकि मुझे वो फ्रीडम चाहिए था मुझे अपने घर के मसलों से दूर भागना हाँ, था हाँ, एस्केप निकली हमेशा से ना फ्रेंड्स एंड रीडिंग मेरा एक रहा है कि किताबें पढ़ ली दोस्तों के साथ ये मेरा बहुत सही एस्केप रहा है पढ़ाई हाँ। करना भी मुझे ऐसे कभी मैं बुरा नहीं लगा मुझे अच्छा लगता था मेरे को जेनविनली कुछ अच्छा सीखना फ्रेंडशिप ना हमेशा उसमें टॉप था कि मेरे, आज भी अच्छा, अब मेरी अभी भी मेरे जो गंगानगर की हम लड़कियों का चार लड़कियों का अभी अभी भी भी एक इज अ ग्रुप वी स्टिल मीट मीट अदर अब तो हो सब की. तो हो गई सबकी हम लोग कोर बड़ी स्ट्रांग है हमारी हमने कभी बिचिंग नहीं किया एक दूसरे की मैं कभी उस बैकग्राउंड से नहीं आई वेयर वी बिच और समथिंग ऐसा नहीं है तो वो बड़ा स्ट्रांग था तो हुआ क्या दोस्तों को मैं हमेशा बहुत ज्यादा वैल्यू देती हूँ और ब्रिंग देम टू क्लोज तो जब मेरे दोस्त छूटे ना मुझसे और वो

ठीक है अभी आप तुम तु अपने लाइफ के किस स्टेज पे हो मतलब यू आर नाउ थिंक दैट यू आर परफेक्ट

अगर है मेरे हाथ के ऊपर हाँ। एक तो वो भी परफेक्ट ही है लाइक परफेक्शन इज वेरी डिफरेंट तो विच इज़ वाई ने लाइक यू नो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता डील करने में अपने बॉडी इमेज इशूज से मैं अपने आप को ये कर लेती हूँ चल चल बट आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि तुमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है रीडिंग so,

Don't forget to like, share and subscribe to Coffee Wilder Show clips.